ज्यादा तो सबको नजर आ रही है टू बी ऑनेस्ट, लेकिन यह है कि प्रॉपर क्योंकि जिन्होंने मुझे क्रिकेट में लेके आए, जिन्होंने मेरा साथ दिया, उनका भी मैं हमेशा से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। प्रॉपर एक स्टेटमेंट जो है मीडिया का, जिस तरह का माहौल बन चुका हुआ है, और मुझे नहीं लगता कि मैं अब इस मैनेजमेंट के जो अंडर में क्रिकेट खेल सकता हूँ। जहाँ तक मुझे लगता है कि मैं जो है वो क्रिकेट छोड़ रहा हूँ इस टाइम, क्योंकि जो मुझे मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है, मैं आई डोंट थिंक सो कि मैं अब इतना मैं टॉर्चर बर्दाश्त कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने 2010 से 2015 तक बहुत टॉर्चर देखा, जो मैं क्रिकेट से दूर रहा, जो भी वो हुआ था एक वाकया, उसकी मैंने सज़ा भी काटी, सारा कुछ हुआ, और फिर लोग बड़ा मुझे ये बार बार टॉर्चर किया जा रहा है कि जी पीसीबी ने बड़ा इन्वेस्ट किया, पीसीबी ने बड़ा इन्वेस्ट किया। देखिए पीसीबी के दो बंदों ने, मैं आज भी क्रेडिट देता हूँ उनको, जिन लोगों ने मेरे पे इन्वेस्ट, एक तो 5 साल की मैं सज़ा काट के आया, कुछ साल बाद मैं क्रिकेट में आया नहीं। दूसरा एक सेठी साहब को, क्योंकि उस टाइम उन्होंने सिंगल हैंडली, और शाहिद अफरीदी, ये दो बंदे थे, क्योंकि आपकी बाकी टीम सारी उधर थी कि जी मोहम्मद आमिर के साथ हमने नहीं खेला, ये वो उन दोनों का मैं हमेशा से शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने उस टाइम मुझे टफ टाइम पर सपोर्ट किया था। बाकी अभी जो रिसेंटली आपने देखा जो माहौल क्रिएट किया गया कि हर बात पे टाउन, मैं मतलब मैंने अपना पर्सनल डिसीजन लिया, उसको लोगों के सामने इस तरह गलत पेश किया गया कि पता नहीं मैं मुल्क से नहीं खेलना चाहता। मुल्क से कौन नहीं खेलना चाहता भाई, मुल्क से कौन नहीं खेला। मैं अगर उन्होंने इस तरह मेरे उस पर्सनल डिसीजन को लीगों के साथ अटैच किया, मेरा तो कमबैक ही लीग से हुआ था। अगर आपको याद हो मैं बीपीएल से मैंने स्टार्ट किया था, और उस टाइम तो मेरे पास बेस्ट टाइम था, अगर मैं लीगों के लिए मर रहा था, मैं कहता जी भाई मैं अब जो है पाकिस्तान के लिए नहीं खेल सकता, मैं अपना इधर खेल रहा हूँ, मैं मुझे इन्जॉय करने दो। मैं तो ये था कि मैंने यार मैं वाइट बॉल में जितना भी इन्वेस्ट कर सकता हूँ पाकिस्तान के लिए, मैं अपना बेस्ट दे सकता हूँ, मैं दूँ। लेकिन हर एक महीने के बाद, दो महीने के बाद, कभी आपके बॉलिंग कोच कहते हैं जी वो डिच कर गया हमें, कभी कहते हैं जी उसका वर्कलोड नहीं था, कभी मुझे 35 लड़कों के प्लान में नहीं रखा जाता। तो इसका मतलब है मुझे अंदर खाने में तो मुझे वेकअप कॉल दी उन्होंने कि भाई साहब आप हमारे फ्यूचर प्लान में नहीं हो, आप साइड पे हो जाओ। तो वो सोच के तो मैंने ये किया। तो बाकी वो जो भी होगा, मैं एक दो दिन में अभी मैं पाकिस्तान पहुँचाऊँ, फैमिली से जाके मिलूँगा, तो प्रॉपर आपको स्टेटमेंट के साथ आपको बता दूँगा कि इसका एक्चुअल रीज़न हो।